और इस वक्त बड़ी खबर देहरादून से, जहां आयकर विभाग की छापेमारी से हड़कंप मच गया। ऋषिकेश, दिल्ली और सहारनपुर में भी इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा है। प्रॉपर्टी डीलर के 3 दर्जन से अधिक ठिकानों पर आईटी के रेड है और आयकर विभाग की रेड से प्रॉपर्टी डीलर और भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। तो प्रॉपर्टी डीलर के 3 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की और आयकर विभाग की रेड से डीलर और भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। तो देहरादून में आयकर विभाग की छापेमारी से हड़कंप है। देहरादून के अलावा भी कई जगह पे आयकर विभाग ने छापा मारा है, जिसमें ऋषिकेश, दिल्ली और सहारनपुर में भी आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, आयकर विभाग ने कई जगह छापा मारा है, क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी हुई? तो देखिए, आयकर विभाग के सूत्रों की माने तो आयकर विभाग की टीमें देहरादून, ऋषिकेश, सहारनपुर व आसपास के इलाकों में 3 दर्जन से अधिक संपत्तियों पर जांच कर रही है और इसमें आयकर विभाग के बड़े अफसर शामिल हैं। आयकर विभाग के अफसरों की मैं बात करूं तो एडिशनल डायरेक्टर हैं ठाकुर मठपाल और डिप्टी डायरेक्टर रितेश भट्ट, जिनके नेतृत्व में कार्रवाई चल रही है। कल देर रात ही पुलिस बल ले लिया गया था ताकि कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो तो पुलिस बल मौजूद रहे। हमारी जानकारी के मुताबिक देहरादून के जो नामी प्रॉपर्टी डीलर और बड़े बिजनेसमैन बताए जाते हैं मंजीत जौहर, उनके पार्टनर और सहयोगी भी माने जाते हैं राज लुम्बा और इसी प्रकार से मेहता ब्रदर्स, आदि के यहाँ ये छापेमारी चल रही है। ऋषिकेश में भी ये कार्रवाई चल रही है और देहरादून में जो एमजे साहब का, मंजीत जौहर का एमजे होटल है, उस होटल में भी पुलिस टीमें मौजूद है। यानी सीधे तौर पर यह संदेश है कि अंदर आयकर विभाग की टीमें जांच कर रही होंगी। अभी सुबह सुबह ही ये रेड शुरू हुई है तो दोपहर बाद तक और स्थिति साफ होगी कि आखिर कहां क्या खामियां मिली हैं या कहीं कैश आदि मिला है, तो ये सारी चीजें थोड़ी देर बाद और साफ हो जाएंगी। पर एक ये बड़ी कार्रवाई है जिसमें पूरा पश्चिम यूपी को कवर किया गया है इनकम टैक्स विभाग द्वारा। ऐसे में सुदीप, चूंकि एक बड़ी बड़ी ये छापेमारी है, कई जगह पे एक साथ छापा मारना, कुछ बड़ी गड़बड़ हुई है लगता है? जी बिल्कुल, देखिए ये अभी हालिया दिनों में देहरादून के कैनाल रोड पे भी जो राज लुम्बा हैं, जिसमें एक नाम इनका आ रहा है, उनसे जुड़े हुए लोगों की जमीनों पर जो मंजीत जौहर इनके पार्टनर हैं, बड़ी जमीन पर अवैध रूप से खुदाई और अवैध रूप से निर्माण की जानकारी आई थी। इसके बाद भी ये मामला सुर्खियों में था और अब इस रेड में क्या मिला है ये थोड़ी देर बाद और साफ हो पाएगा। लेकिन आयकर विभाग की बड़ी टीमें बड़े अफसरों के नेतृत्व में रेड कर रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ बड़ी गड़बड़ हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए।